नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हरियाणा में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है और करनाल लोकसभा में पूर्व सीएम और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता का कहना है कि करनाल लोकसभा की सभी 9 विधानसभाओं में वो जनता के साथ संवाद करेंगे, करनाल जिले की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं सभी 9 की 9 विधानसभा में जाऊंगा और हर एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक और ऐसे जनता के जो जिस प्रकार की ग्रीवेंसेस होती हैं वो सब सुनते हैं। उसमें अभी क्योंकि केंद्र सरकार के भी कुछ विषय होते हैं, कई ट्रांसफर्स के विषय होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, बाकी प्रदेश सरकार के विषय होते हैं, व्यक्तिगत उनकी डिमांड होती है, किसी का प्लॉट का है, किसी का पेंशन का है, हमने सब बातें, हालांकि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने अब और नई घोषणाएं भी की हैं, उस अनुरूप सबके जो सहयोग होंगे, किसी का कोई काम बाकी बचेगा नहीं, फिर भी जो काम देखे जाते हैं उसको मैं चंडीगढ़ हर विभाग में। वही इस दौरान मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों को भ्रमित किया और झूठ फैलाकर लोगों को तोड़ने का काम किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का झूठ नहीं चलने वाला है। कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, कांग्रेस की अफवाहें नहीं चलेंगी। कांग्रेस जिस प्रकार के हथकंडे इस लोकसभा चुनाव में अपनाए हैं उनको दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और अगले चुनाव को जीतकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। मनोहर लाल ने राहुल गांधी को लेकर भी कहा कि वे समाज को गाली दे रहे हैं। संसद में राहुल गांधी ने जिस अपरिपक्वता का परिचय दिया वे निंदनीय है। कांग्रेस नेता को पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। आगे मनोहर लाल ने प्रदेश सीएम को लेकर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो घोषणा की है उसका स्वागत है, पार्टी आलाकमान ही प्रदेश का सीएम तय करेगी। देखिए, जिस प्रकार की घनौनी हरकतें मैंने स्वयं अपने कान से इस बार जब लोकसभा में सुनी, वास्तव में ही मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि ऐसे शब्द उनके मुंह में आ जाते हैं। समाज को गालियां देना, उनको इस प्रकार से, यानी ये कहना कि हिंसावादी, पूरा हिंदू समाज हिंसावादी है, यानी कैसा उनका सोच बना है। ज़रूर देश की जनता उनको जो है करारा सबक सिखाएगी, ऐसा। अमित शाह जी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद के लिए अगले चुनावों में भी दावेदार घोषित कर दिया है। स्वागत करता हूँ उस बात का। कई और बीजेपी के नेता भी सीएम पद के दावेदार थे। अभी तो जो अमित शाह जी ने घोषित किया है मुझे उतनी ही जानकारी है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। वहीं हरियाणा में बढ़ते अपराध को लेकर मनोहर लाल का कहना है कि ये चिंताजनक है और प्रशासन को इस पर संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। विदेशों से आ रहे फोन कॉल को लेकर केंद्र स्तर की एजेंसियों को बताया जाता है और सभी एजेंसियों से तालमेल रखकर इस परेशानी को दूर किया जाएगा। देखिए, क्राइम की बहुत चिंताजनक बात तो हमारे सामने आती है। जब भी कोई क्राइम होता है तो उस समय हमारी एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस है, चाहे CID है, चाहे STF है, चाहे बाकी लोग हैं, वो उसके ऊपर काम में लगे हैं। CIA भी अपना काम कर रही है, इस क्राइम को रोकने में बहुत रुका भी है, हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन एक जानकारी, जो विदेशों से इस प्रकार की धमकियाँ आती हैं, इस प्रकार के टेलीफोन कॉल आते हैं, उसमें हमारी जो केंद्र स्तर की एजेंसियाँ उनको भी बता दिया जाता है और जहाँ कहीं दूसरे देशों में घटनाएं होती हैं, इस प्रकार के फोन कॉल आते हैं, वहाँ की एजेंसियों से भी तालमेल रख करके इन सब को दूर किया जाएगा। दरअसल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल करनाल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे थे। बैठक में विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई। उन्होंने कहा कि बीते चुनावों की तरह इस बार भी प्रदेश में पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता मजबूत है। बीजेपी एक बार फिर से अपनी नीतियों और लाभकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी और प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएगी। फिलहाल ऐसा होगा या फिर नहीं, ये तो आगे आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता तय करती है कि आखिर सरकार कौन सी बनेगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।